राष्ट्रीय सेवा योजना के 50 साल पूर्ण होने पर एनएसएस जिला समन्वयक ने पौधरोपण का आयोजन किया। इस मौके पर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। जिला समन्वयक राजीव निगम ने बताया कि एनएसएस के 50 साल पूर्ण होने पर मंडल सेरा में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं सहित स्थानीय लोगों को एनएसएस के महत्व की जानकारी दी गई। शिक्षक संजय टमटा ने बताया कि समाज में आपसी सौहार्द भाईचारा बनाए रखने के लिए एनएसएस समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करता है। उन्होंने कहा कि लोगों में समाज सेवा तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण एनएसएस के कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित रखा गया है। 50 साल पूर्ण होने पर सभी ने एक दूसरे को बधाई दी तथा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के 50वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हम यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि आज हम यहाँ पर पेड़ लगाए और हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी और सीखी कि और इस ऐसी कोविड महामारी के बीच भी आप लोग ऐसे कार्यक्रमों को करा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। एनएसएस की आज हम 50वीं वर्षगांठ यहाँ पर मना रहे हैं। एनएसएस की स्थापना महात्मा गांधी के 100वीं जयंती पर स्थापना की गई थी और इसका एक सेवा भाव ये था कि सेवा भाव के साथ ही इसको मनाया गया था और मनाने के साथ ही इस बीच कोविड-19 के चलते एनएसएस के जो स्वयंसेवी हैं, प्रतिभागी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई है। विगत वर्षों की भांति जैसे आज तक अन्य शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, आपदा है, इन क्षेत्रों में एनएसएस के स्वयंसेवी और प्रतिभागी अपनी भूमिका निभाते आए हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी निभाया। तो आज हमारे यहाँ पर श्री इस पर्यावरण प्रेमी किशन मरला जी के यहाँ पर वाटिका में एक कार्यक्रम वैचारिक गोष्ठी यहाँ पर रखी गई है, उसमें कि एनएसएस के स्वयंसेवी या प्रतिभागी कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस भूमिका में हमारा कहना है यहाँ पर कि ये जागरूकता फैलाने का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी चुनौती है, जितने भी अभी हम कार्यक्रम मनाते हैं उसमें जनता के बीच में जाके, पब्लिक के बीच में जाके हमें कार्यक्रम मनाना होता है या जागरूकता उत्पन्न करनी होती है, लेकिन यहाँ पर एक नई चुनौती यह है कि हमें जनता के बीच में नहीं जाना है। तो ऐसी स्थिति में बीच में नहीं जाके जागरूकता पैदा करनी है, तो ऐसी स्थिति में पूरे देश भर में आज हमारे 40 लाख वॉलंटियर एनएसएस से जुड़े रहते हैं और इसमें अधिकांश हमारे युवा हैं, तो युवा होने के नाते इसमें सोशल मीडिया या अन्य ऐसे माध्यमों की जो जनता से दूर रहते हुए जनता को जो है लोगों को जागरूक करें, प्रेरित करें, इसलिए इसकी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बन गई है। और मुझे लगता है कि इसमें हमारे एनएसएस के जो युवा स्वयंसेवी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वो क्योंकि इस मामले में काफ़ी निपुण हैं, सोशल मीडिया के मामले में, जानकारियाँ उत्पन्न करने के मामले में। और आज हमारी एक वैचारिक गोष्ठी भी यहाँ पर रखी गई है जिसमें पूरे जनपद के हमारे जिला मुख्यालय के सभी एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल ही एक राज्य स्तरीय हमारी वैचारिक गोष्ठी यहाँ पर हुई थी, तो ये कार्यक्रम आज हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। आज कुछ यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है वाटिका इसमें और लगातार एनएसएस के माध्यम से ये चेतना उत्पन्न की जा रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुई थी, जिसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज हम 51 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में कार्यक्रम ये किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद बागेश्वर में अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुपालन में हमने ऑनलाइन प्रतियोगिताएँ रखी जो 23 सितंबर को संपन्न हुई और 23 सितंबर की शाम को ही एक ऑनलाइन गोष्ठी रखी गई जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व के बारे में हमारे क्षेत्रीय निदेशक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डॉक्टर अशोक श्रोती जी, राज्य एनएसएस अधिकारी आदरणीय अजय कुमार अग्रवाल जी और हमारे भूतपूर्व जनपद समन्वयक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री भीम सिंह कोरंगा जी, बहुत सारे हमारे भूतपूर्व कार्यक्रम अधिकारियों ने और जो हमारे जनपद के विभिन्न जनपद में संचालित इकाइयाँ राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की उनके कार्यक्रम अधिकारियों ने, स्वयंसेवियों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज हमने स्थापना दिवस के अवसर पर अपने जनपद के पर्यावरण मित्र वृक्ष प्रेमी आदरणीय किशन सिंह मलड़ा जी की देवकी वाटिका जो कि मंडल सेरा क्षेत्र में बनाई गई है, यहाँ पर हमने अपने कुछ स्वयंसेवियों को कोविड-19 संक्रमण के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर एक छोटा सा वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर आज जो 91 वर्ष में प्रवेश हो रहे हैं, तो इसमें जिला समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम एनएसएस से जुड़े जितने भी पदाधिकारी जनपद बागेश्वर में हैं उनके द्वारा जो भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर वृक्षारोपण का किया गया,
तो वास्तव में ये नितांत आवश्यक है कि छात्र छात्राओं या नई पीढ़ी के बीच में पर्यावरण के प्रति जितनी जागरूकता हमारी बढ़ेगी तो हम हर परेशानियों से अपना निराकरण कर पाएंगे। और इसके लिए मैं इनका हृदय से आभार धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने कल भी जो अपनी प्रतियोगिता ऑनलाइन कराई थी इसमें काफ़ी बच्चों ने प्रतिभाग किया। वास्तव में NSS NCC स्काउट के माध्यम से जो कार्यक्रम जनपद बागेश्वर और पूरे प्रदेश में हमारे करे जा रहे हैं और उसमें विशेष पर्यावरण संरक्षण का जो कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाता है ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी पहल है। मैं इनके लिए इसका पुनः आभार धन्यवाद करता हूँ। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।